हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट होम। आज हम इस पोएट्री को पढ़ने वाले हैं। ये मेरी पर्सनल फेवरेट पोएट्री है और मेरा मानना है कि अगर आपने इस पोएट्री को नहीं पढ़ा तो आपने लाइफ का कुछ तो मिस किया। तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पोएट्री की जिस पोएट्री का रिलेशन कहीं ना कहीं मेरे, आपके और सबके लाइफ के साथ है। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा मलाल जरूर होता है, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एक डिसीजन जो बड़ा साफ सुथरा दिखता है और वो हमें कहीं और लेके जाने वाला होता है, और एक दूसरा डिसीजन जो ठीक उसी समय लेना होता है जिस समय हमें कोई और डिसीजन लेना होता है। तो एक डिसीजन जो बड़ा साफ सुथरा होता है, जो दिखता है आपको, बिल्कुल विजुअलाइज होता है कि मैं ऐसे करूंगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर वो ऐसे हो जाएगा, और ठीक उस डिसीजन के साथ साथ एक और डिसीजन आपको लेना पड़ता है। इट मीन्स वी आर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द टू डिफरेंट चॉइसेस व्हिच वी हैव टू टेक इन आवर ओन लाइफ। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को, जो जिंदगी में जो रास्ते होते हैं वो एक रास्ता दूसरे रास्ते को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। एक डिसीजन जो आप लेते हैं वो आपको कहीं और लेके पहुंचता है, और जो आप दूसरा डिसीजन ले रहे हैं ये डिसीजन आपको कहीं और लेके पहुंचता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, वी आर अबाउट टू स्टार्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्रीज एवर रिटन, द रोड नॉट टेकन। वो रास्ता जो मैंने नहीं लिया, वो रास्ता जो मैं भूल गया, वो रास्ता जो लेना चाहता था कोई और वो नहीं ले पाया। तो ये पोएट्री है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि हमेशा लाइफ के डिसीजंस, लाइफ के प्रॉब्लम्स, लाइफ के सॉरोस, लाइफ के हैप्पीनेस, इन मींस द डायलेमास ऑफ लाइफ को रेफर करते हैं। द रोड नॉट टेकन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर वो कौन सा ऐसा रास्ता था जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लेना भूल गए, वो लेना चाहते थे या लेना नहीं चाहते थे, क्या वजह थी कि उनको रास्ता छोड़ना पड़ा, कोई और रास्ता चुनना पड़ा, और क्या जो रास्ता, जो डिसीजन उन्होंने लिया, जो रास्ता उन्होंने चुना, क्या वो उससे हैप्पी हैं। तो जानने के लिए हम सब स्टार्ट करते हैं द रोड नॉट टेकन, अ फाइनेस्ट पोएट्री इन क्लास 9th CBSE, द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता जो नहीं लिया गया। तो देखिए, एक बार की बात है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं चले जा रहे हैं। पोएट्री स्टार्ट होती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं, और वो जो जंगल है, इस जंगल को वो येलो वुड कहकर रेफर करते हैं। येलो वुड, आप सोच रहे हो कि जंगल का कलर तो हरा होता है, फिर ये येलो कैसे हो गया? तो यहां पे एक मेटाफर है। येलो वुड का मतलब ये हुआ कि वो जो जंगल था उसके सारे पत्ते झड़ चुके थे। इट वॉज ऑटम सीजन, ये पतझड़ का समय था, सारे पत्ते गिर चुके थे और वो जो पूरा जंगल था वो पीला हो गया था। तो इस पोएट्री में रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बार एक पीले जंगल, मींस ऑटम सीजन के जंगल में कहीं आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जहां वो पहुंचते हैं वहां पे वो जो रास्ता था वो दो रास्तों में बढ़ जाता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो पहला रास्ता था, अब वो यहां पे खड़े होते हैं और खड़े होके वो इन दोनों रास्तों को देख रहे हैं। एक रास्ता जो बड़ा साफ सुथरा था, इसमें बड़ी अच्छी सड़क की तरह बनावट थी, निश्चित रूप से ये एक बेहतर विकल्प था, और अगर कोई एक ऐसा इंसान होता जो लाइफ में रिस्क लेना नहीं चाहता, जो लाइफ को एज इजी एज इट इज बिताना चाहता है, वो निश्चित रूप से इस पहले रास्ते को चुनता। तो पहला रास्ता जो बड़ा साफ सुथरा था, और वो यहाँ पे खड़े होते और सोचते हैं कि यार दो सड़कें हैं, मैं एक अकेला हूं, हाउ इज इट पॉसिबल बींग वन ट्रेवलर, हाउ कैन आई चूज एंड हाउ कैन आई टेक बोथ द वेज एट सेम टाइम। तो यहां पे उन्हें डिसीजन लेना था। अब सवाल यह है कि वो इस डिसीजन से क्या वो सच में सिर्फ इसी जंगल की बात कर रहे हैं? नहीं, वो इस जंगल की बात नहीं कर रहे, वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे आपके सबके जीवन में एक समय आता ही है। अगर आपके जीवन में नहीं आया तो निश्चित रूप से आपको एक ऐसा समय मिलने वाला है जहां आपको दो डिसीजंस में से कोई एक रास्ता चुनना होगा, और याद रखिए कि एक रास्ता दूसरे रास्ते पे आपको कभी लेके नहीं जाएगा। एक रास्ता कहीं और मंजिल पहुंचाएगा और दूसरा रास्ता कहीं और की मंजिल पहुंचाएगा। तो वो खड़े हैं और सोच रहे हैं कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूं। वो खड़े होकर दूर तक झांकते हैं कि ये रास्ता कहीं वहां जाता है, कहीं वहां जाता है, और उन्होंने ये पाया कि दोनों रास्ते एक दूसरे से कभी जाके नहीं मिलते। तो एक रास्ता जो बड़ा साफ सुथरा था और दूसरा जो रास्ता था, इट वॉज
फुल ऑफ ग्रासेस, ये चारों तरफ से खर पतवार से भरा पड़ा था। इसको देख के लगता था कि या तो आज तक इस रास्ते पे कोई चला नहीं, या निश्चित रूप से जो रास्ता है वो इतना खतरनाक है कि इस रास्ते पे चलने के बाद मैं खो जाऊंगा, शायद मैं वापस लौट के ना आ पाऊं। और इस कविता को उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ डील किया। तो आइए एक बार हम पढ़ते हैं इस पोएट्री को, लाइन वॉइस हिंदी जानते हैं, और फिर पहुंचते हैं इसके कंक्लूजन पे। फिर आगे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस मिलने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलने वाले हैं। टू बिगिन विद द रोड नॉट टेकन, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन येलोड एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ। तो ये कहते हैं कि एक येलोड में दो रास्ते कहीं पे गुजरे, वन एंड टू, कहीं दो रास्ते गुजरे, और बीइंग वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक अकेला व्यक्ति होने के कारण मैं खड़ा रहा और देर तक देखता रहा, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ, और एक राही होने के नाते मैं खड़ा हुआ और खड़ा होकर मैं दोनों रास्तों का अंदाजा लेने लगा कि क्या ये दोनों रास्ते कहीं एक दूसरे से मिलते हैं या दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। तो अब ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ खड़े हैं, और आप अगर एक ऐसे इंसान हैं जो आप लाइफ में रिस्क नहीं चाहते, आप एडवेंचर नहीं चाहते, तो निश्चित रूप से मेरे लिए, आपके लिए ये एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि ये साफ सुथरा रास्ता है, इस पे सब चलते हैं, अपनी मंजिल पाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए बेहतर विकल्प ये सेकेंड रास्ता है जो ग्राजी है, जो वांटेड वेयर है, जो फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है। व्हाई? बिकॉज ही इज अ टाइप ऑफ टिपिकल पर्सन हु वांट्स टू टेक सम एडवेंचर इन हिज लाइफ, बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर द एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो उस सुबह रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस जंगल के बीच में खड़े हैं, दो रास्ते जो देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों रास्तों में बड़ा फर्क है। एक रास्ता जो साफ सुथरा है वो आपको मंजिल पे बड़ी आसानी से पहुंचा देगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचते हैं कि निश्चित रूप से ये रास्ता मुझे मंजिल पे पहुंचाएगा, लेकिन मेरी मंजिल भी वही होगी जो सबकी मंजिल है। तो चाहे मैं गुम हो जाऊं, चाहे मैं लौट के वापस ना आ पाऊं, फिर भी मैं इस रिस्क को लूंगा, और ये जो रास्ता है जो फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, जो घास फूस से भरा हुआ है, ये रास्ता मेरे लिए एक बेटर क्लेम है। थर्ड पैराग्राफ में आते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि उन्हें कैसे पता कि इस रास्ते पे कोई नहीं चला। वो इस डिसीजन पे इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने जब इस रास्ते को देखा तो इस रास्ते पे कोई भी पत्ता पैरों से दबके कुचल के काला नहीं हुआ था। इसको नोट करें, नो लीव्स हैड ट्रॉडन ब्लैक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जब इस रास्ते को देखा तो ये रास्ता पूरा हरा भरा था, घास फूस से भरा था, पैर के चलने से, चक्कों के चलने से, गाड़ियों के चलने से कोई एक सिंगल लीव कुचल के काला नहीं हुआ था, जिससे वो समझते हैं कि ये जो रास्ता है इस पे या तो लोग नहीं जाते या बड़े कम लोग गए। नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं, येट नोविंग ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोविंग हाउ वेज लेड ऑन वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो मैंने सोचा कि ये जो खूबसूरत सा अच्छा सा रास्ता है, इस रास्ते को मैं कभी और ट्रेवल करूंगा। हालांकि उन्हें ये पता है कि ये रास्ता घूम के कभी भी उन्हें इस रास्ते पे पहुंचाने वाला नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि इस खूबसूरत और आसान रास्ते को मैंने कभी और के लिए रख दिया, और ये जो मुश्किलों भरा रास्ता है इस रास्ते को मैंने बेटर के लिए मान के चलना शुरू कर दिया। आई शॉल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। तो आज मैं साई के साथ, व्हाट इज साई, साई का मतलब होता है आह भरना। जनरली आह का मतलब लोग ये सोचते हैं कि कोई तकलीफ में हो, कष्ट में हो तो आह भरता है, बट इस पोएट्री को पढ़ने पे हम ये पाएंगे कि इंसान जब खुश होता है तो खुशी की एक अलग आह होती है, जब इंसान दुखी होता है तो दुख की एक अलग आह होती है। राइटर ने इसको अनक्लियर रखा है, इधर इज हैप्पी
और ही इज अनहैप्पी. तो ये कहते हैं लास्ट पैराग्राफ में, आई शॉल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर इज एंड इज हेंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. तो राइटर कहते हैं कि मुझे, मैं जब ये कहता हूं तो मेरे भीतर से आह निकलती है. ये खुशी की आह हो सकती है, ये दुख की आह हो सकती है. और कभी सालों साल पहले, बहुत पहले, मुझे एक पीले जंगल में ऑटम के सीजन में दो रास्ते मिले और उस दो रास्तों में से मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे कम लोग चले थे और सारा डिफरेंस आपके सामने है. अब सवाल ये है कि क्या डिफरेंस था. मेरे हिसाब से, एज पर आई थिंक, देखिए, जब हम इस आसान रास्ते को चुनते हैं तो निश्चित रूप से इसमें मंजिल सबको मिलती है, लेकिन कुछ अलग मंजिल नहीं आती. इस पे चलने वाले जो लोग होंगे वो सब वही बनेंगे जो लोग बनते हैं. और इस मुश्किल रास्ते को जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चुना तो सारा डिफरेंस आपके सामने है. क्या डिफरेंस हमारे सामने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो आसान रास्ते को उन्होंने चुना होता तो एक डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, वो एक ऐसा व्यक्ति बनते जो नॉर्मली लोग होते हैं. बट नाउ रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक है. डॉक्टर्स कितने हैं, इंजीनियर्स कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, ये मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पूरे वर्ल्ड में एक है. और ये डिफरेंस रॉबर्ट फ्रॉस्ट का हम लोगों के सामने दिख के आता है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उस मुश्किल से रास्ते को चुना जिस रास्ते पे कोई घास फूस काली नहीं हुई थी. उन्होंने आसान रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ा और कंक्लूजन में ये बताते हैं कि आज वो आह भरते हुए कहते हैं कि उससे सारा डिफरेंस आपके सामने है. तो हमने इस पोएट्री के समरी को पढ़ा, लाइन वाइज हिंदी इसकी पढ़ी. अब हम लोग आते हैं इसे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस पे. लिटरेरी डिवाइसेस क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा. जब हम लोग ग्रामर सेक्शन की वीडियो देखेंगे तो उसमें लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे. फिलहाल इस पोएट्री में क्या है, इस पोएट्री में जो पहला लिटरेरी डिवाइस हम लोग को मिल के आता है, सामने निकलता है, वो है सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म क्या है? सिंबोलिज्म एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें पोएट और राइटर एक किसी वर्ड के सहारे से दूसरे चीजों को समझाता है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें सिंबोलिज्म हमें कहां मिलता है? तो ये जो वेज ऑफ लाइफ है, ये जो वेज है, ये जो टू रोड्स है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बताया कि उन्हें कभी जंगल में मिले, असल में वो सिंबोलिज्म है. ये सिर्फ जंगल के दो रास्तों की बात नहीं कर रहे, एक सिंबल है कि लाइफ में हमें अलग अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं और अलग अलग जो डिसीजंस होते हैं इनका रिजल्ट भी अलग अलग निकल के हमारे सामने आता है. नेक्स्ट जो हमारी लिटरेरी डिवाइस है वो ये है एलिटरेशन. एलिटरेशन क्या है? एलिटरेशन का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग वर्ड्स लेकिन उनका जो स्टार्टिंग वर्ड लेटर है वो एक जैसा हो या जो स्टार्टिंग साउंड है वो एक जैसी हो. फॉर एग्जाम्पल, जब इस पोएट्री को हम पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो एलिटरेशन के एग्जाम्पल्स है. फॉर एग्जाम्पल, वॉन्टेड वेयर, जैसे हम लोगों ने देखा वॉन्टेड का डब्ल्यू और वेयर का डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू, लगातार दो लेटर एक साथ आते हैं. लाइक द, दैट, दोनों में फिर टी निकल के आया. फर्स्ट, फॉर, फर्स्ट और फॉर, दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो एफ है और फ, फ का प्रोनंसिएशन मिलता है. दैट इज, इट इज एलिटरेशन. थर्ड लिटरेरी डिवाइस इज रिपीटेशन. तो हम लोगों ने ये जाना कि जब दो डिफरेंट वर्ड्स एक साथ आते हैं और इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो एक जैसा साउंड करे तो वो एलिटरेशन है, और अगर पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो जाए तो वो हमारा रिपीटिशन है. लाइक एजेस एंड एजेस, जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट पैराग्राफ में देखा, एजेस एंड एजेस हेंस. तो ये जो एजेस और एजेस वर्ड है वो हमारा साथ साथ रिपीट हो रहा है, दैट इज आवर रिपीटिशन. तो ये थी हमारी लिटरेरी डिवाइस. अब हम बात करते हैं हम इस पोएट्री के राइमिंग स्कीम की. राइमिंग स्कीम भी हम अगले वीडियो सेक्शन में जानेंगे. राइमिंग स्कीम इस पोएट्री की है ए बी ए ए बी. तो ये थी हमारी लिटरेरी डिवाइसेस, हमारा राइमिंग स्कीम. और अभी हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं जो आपके दिमाग में निश्चित रूप से आ रहे होंगे और वैसे ये हमारे बुक में भी प्रिस्क्राइब्ड है. तो क्वेश्चन नंबर वन, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस. जो पोएट है, जो ट्रेवलर है, वो अपने आप को कहां पाता है और क्या प्रॉब्लम्स थी उसके जीवन में. तो हम लोगों को पता है कि पोएट जो है वो एक ऐसे रास्ते पे खुद को पाता है जहां से दो अलग अलग रास्ते निकल के आने वाले हैं और उसे डिफिकल्टी ये थी, विच वे वॉज अ बेटर क्लेम.
सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि आपके हिसाब से जो पोएट है, जो ट्रेवलर है, उसके लिए बेटर क्लेम कौन सा था? जवाब हमें पता है, राइटर के लिए, पोएट के लिए जो हमारा ये सेकेंड वे था, दैट वॉज डिफिकल्ट वन, ये उनके लिए बेटर क्लेम था, बिकॉज ही वॉज अ टाइप ऑफ गाय हु वांटेड टू टेक रिस्क इन हिज लाइफ एंड वांटेड टू चेंज इट कंप्लीटली। फिर हमारे दिमाग में ये निकल के आता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुश हैं? हाउ कैन यू से दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज हैप्पी बाय द डिसीजन ही टुक लॉन्ग एगो? तो मेरे हिसाब से जवाब ये होना चाहिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट आज खुश हैं क्योंकि उसने एक बड़ा खूबसूरत डिफरेंस उनके लाइफ में पेश किया है। अगर उन्होंने इस आसान वाले रास्ते को चुना होता तो निश्चित रूप से वो ऐसा कुछ बन के आते जो कॉमन था, जो नॉर्मल था, लेकिन चूंकि उन्होंने इस डिफिकल्ट रास्ते को चुना और उस डिफिकल्ट रास्ते ने उन्हें रॉबर्ट फ्रॉस्ट बनाया, द जायंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हुआ। अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, और साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।